गंगा गंगे तियो भूयात यो जनानाम शतई रहि उच्चते सर्व पापे भ्यो गंगा देवी नमोस्तुते। तो हमारे यहाँ बड़ा सुंदर भाव है और वो भाव ये है कि जो गंगा गंगे तियो भूयात, जो केवल गंगा गंगा इतना बोलता है, ये बोल देता है यो जनानाम शतई रहि। आप लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करते हुए केवल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय है, इस भाव से ही अगर आप लोग बोल देंगे तो गंगा गंगे तियो भूयात यो जनानाम शतैरपि, भले आप 100 योजन दूर क्यों ना हो तो उस योजन की दूरी पे भी उच्चते सर्व पापे, तो बोले क्या होगा, गंगा जो है वो नाम का उच्चारण करते ही आपके सारे पापों का मुंचन खींच लेगी, और खींच करके गंगा देव गई नमोस्तुते माँ गंगा की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। तो स्नान करते समय भी आप लोग जो है, अभी कल परसों महाराज जी लोटा चढ़ा रहे थे, मैं आज आपको एक वृत्तांत बताता हूँ, कल परसों लोटा चढ़ा रहे थे तो एक व्यक्ति ने महाराज जी से शंका करती, महाराज जी आप लोटा चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं, भगवान के ऊपर आप लोटा चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं, वो भी दुबई से, वो भी दुबई से किसी ने कहा, बोले महाराज जी आप लोटा चढ़ा रहे हैं कि फेंक रहे हैं भगवान के ऊपर, तो उस पर शंका चिंतन हुआ। तो आप एक विचार रखिए, लोटा चढ़ाने का काम आपका है, हमारा नहीं, वो चढ़ाने का काम, हमारा काम भगवान को स्नान कराने का। अब स्नान में और चढ़ाने में अंतर देखिए, जब आप स्नान करते तो आप स्नान कैसे करते हैं, जो बूंद से बूंद लगा करके नहाते हैं कि आप ले करके लोटे से एकदम से पानी करके डालते हैं, विचार करिए आप कैसे नहाते, तो आप जैसे नहाते बोले एक लोटा उठाए, मग उठाए, मग उठाए खोपड़ी के ऊपर डाल दे तुरंत, ऐसे हमारे यहाँ पर हम लोग जो है, जो भगवान की सेवा में हैं, जो भगवान शिव के जो विशेष अनुचर हैं, जो सेवा में हैं, उनको अधिकार है कि वह भगवान के ऊपर जो है जब जल का रोक्षा करें, तो उनका, हमारा काम चढ़ाने का नहीं है, हमारा काम भगवान को स्नान कराने का। स्नान से अभिप्राय है, स्नान में और चढ़ाने में दोनों अंतर है, भक्त चढ़ाता है लेकिन जो भगवान का जो दरबारी है वो स्नान कराता है। तो स्नान कराते समय आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, उसमें हम लोग भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते जल, स्नान कराते समय हमारा विशेष जो हमारे जानकार लोग हैं जो नीचे सेवा में हैं, वो ऊपर जो आचार्य विराजमान हैं जो सेवा कर रहा है बाबा की, वह उसके हाथ के ऊपर जल चढ़ाता है, जिससे कि हाथ के ऊपर जल जाएगा तो कम से कम पूरी सेवा हो। तो सेवा का भाव समझिए, सेवा का भाव सबसे अधिक जो परम कठोर जो होता है वो सेवा धर्म होता है। तो कहने का अभिप्राय बहुत सारी चीज़ें हैं।